जैसे कि सबको पता ही है आज अष्टमी है और अष्टमी में हम लोग करते हैं कन्या पूजन, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हलवा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, वैसे मैं बनाती हूँ हलवा पूरी और चने। तो ये बन रहा है हलवा। आज आपको पूरा अष्टमी पूजन दिखाते हैं। लोगों ने पूजा करते हुए दिखाया होगा, लोगों ने कंज के पूजते हुए दिखाया होगा, मैं खाना बनाते हुए भी दिखाऊंगी कि हम कितनी मेहनत से खाना बनाते हैं। एक लड़की है जो पिछले आधे घंटे से आटा गूंद रही है। आज उसे कहा गया है आटा गूंद, उसने आटे के साथ पूरी जितनी कुश्ती लड़ सकती है लड़ ले। तो वो आटा गूंदने में लगी हुई है। हम हलवा बना रहे हैं, चने उबल चुके हैं, सिर्फ चनों में तड़का नहीं लगता है क्योंकि अष्टमी पूजन है, इसमें कोई प्याज लहसुन वगैरह यूज़ नहीं होता है, सिर्फ जीरे का तड़का लगता है, जीरा नमक का तड़का। तो जब सब बन जाएगा खाना, क्योंकि ऐसे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, जब पूरा खाना बन जाएगा तब हम आपको दिखाएंगे टेस्ट टेस्टी खाना, साथ में कंजिया पूजन के साथ। कन्या की हालत ये रही, आधे घंटे से लगी हुई है, दे तो नादन कभी तो गूंदेगा, जब तक मेरा सारा खाना बनेगा इसका आटा गूंद जाएगा। ये बन गया हमारा हलवा और हमारे चने, अभी बनेंगे हमारी पूड़ियाँ। कुल मिला के तैयारी हो चुकी है कन्या पूजन की। सुंदर सुंदर चने, सुंदर चने, सुंदर हलवा। अभी दिखाएंगे हम आपको कन्या पूजन। हमारा कन्या पूजन कुछ यूनिक है, जैसा आपने देखा होगा वैसा नहीं है, तो वो तभी दिखेगा जब वीडियो पूरी देखोगे। वीडियो भगा के देखोगे तो कोई नहीं दिखेगा, वीडियो को एक एक सेकंड देखोगे तब पता चलेगा क्या स्पेशल है इस कन्या पूजन में। देख लो बिल्कुल गोल गोल बन गई है पूड़ियाँ। शुरू की जो दो पूड़ियाँ होती हैं वो होती हैं पूजा के लिए, जो दो पूड़ियाँ होंगी, जो हलवा होगा, छोले होंगे, सबका भोग लगेगा माता जी को। तो पहले हम सिर्फ दो पूड़ियाँ बना रहे हैं, पूजा करेंगे उसके बाद आके पूड़ियाँ बनाएंगे। बाकी सब तो बन चुका है, हलवा छोले तो बन चुके हैं, बस बनेंगी दो पूड़ियाँ। हम दिखाएंगे आपको कैसे। एक पूड़ी, ये जो पूड़ी होती है ये पूड़ी पूजा करते हैं, पहले मंदिर में रख के भोग चढ़ाते हैं और उसके बाद जब पूजा पूरी हो जाती है उसके बाद ये गौ माता को देते हैं। ये हमारी पूड़ी गई फूल गोल मटोल, तो ये पूड़ी उसके बाद देंगे जब पूजा पूरी जाएगी गौ माता को। इनको आप नदी में ना चढ़ाया करें, वो चीज़ सही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हलवा भी है, छोले भी हैं, नमक, मिर्च, मसाला, सौ चीज़ें हैं, और वो जाके नदी में चढ़ा दो तो वो चीज़ गंदी होती है ना, तो ये किसी के पेट में जाए तो अपना गौ माता को दे देना है। अभी हम दिखाएंगे पूजा। तो पूजा में क्या चाहिए, पूजा में चाहिए हमको दो पूड़ी, थोड़ा सा हलवा, थोड़े से चने और हम चले पूजा करने। आजो 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 आजो। आई टोपी, तुम क्या कर रही हो, तुम क्या कर रही हो? पूजा की तैयारी हम पहले ही करके जा चुके थे, तो भाई जो हमने मेन 9 दिन पहले खेतरी बीजी थी, खेतरी मतलब जौ, इसमें जौ बीजते हैं, उनका हमें बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये जिनके जितने अच्छे जौ निकलते हैं कहते हैं पूरे साल भर उतना अच्छा आपके घर में बढ़ोतरी होती है। इनको छुपा के इसलिए रखना पड़ा है क्योंकि चूहे हैं बहुत सारे, और वो चूहे क्या करते हैं, वो जौ ही तो है वो खा जाते हैं, तो बड़ा इन्हें संभाल के रखना होता है। जौ बड़े अच्छे आए हैं हमारे,
तो अब हम करेंगे पूजा। चलो जी, घटिया माचिस सब चीज नकली आती है भैया आजकल, सब चीज देखो हर चीज। ये है कपूर, कपूर घर की शुद्धि के लिए होता है। पहले के कपूर ऐसे होते थे कि दूर से भी कपूर दिख जाए तो इतनी दूर तक आग जाती थी, आजकल कपूर कहना पड़ता है, कपूर कपूर जलो जलो। क्या करें, चीजें नकली हैं या असली हैं, पूजा तो पूजा है, पूजा तो करनी है, है कि नहीं। ये देखो कपूर घर की शुद्धि के लिए होता है, कपूर चार लौंग उससे घर की शुद्धि होती है। हम इधर कर लेते हैं क्योंकि पीछे पंखा चल रहा है। आज खेत्री में हम लास्ट टाइम जल दे रहे हैं क्योंकि अब खेत्री जो है मंदिर में कल दे आएंगे हम। माता रानी सब पे करम बनाए रखो, खत्म करो ये बीमारी वगैरह एंड ऑल। ये है गंगा जल जो कि हम शिवलिंग पे चढ़ाते हैं रोजाना। ये हम हरिद्वार के ट्रिप पे गए थे ना, हम वहाँ से लेकर आए थे। ये हमारे छोटे से शिवलिंग जी है। माता रानी जी आप भोग लगाएं और सुख समृद्धि दें सबको, शांति दें। ये भी हम शनापुरी यहाँ रख देंगे और हमारी होती है पूजा कंप्लीट। कुल मिला के आज की सुख शांति से निपट गए, यही बहुत खुशी की बात है। जो आजकल का माहौल हो रखा है उसमें तो एक एक मिनट ऐसा लगता है कि एक एक दिन कट जाए, वो बहुत बड़ी बात है। चलो अब चलते हैं कंजक के लिए खाना बनाने। चलो जी। ये हो गई हमारी प्रिपरेशन पूरी कन्या पूजन की। अब सब लोग सोच रहे होंगे कन्या तो दिख नहीं रही है और कन्या पूजन की तैयारी हो गई है, तो यही एक सरप्राइज है, एक अलग तरीका कन्या पूजन का, बड़े तब दिखेगा जब आप हमारे साथ जुड़े रहोगे। जल्दी जल्दी में कुछ नहीं होता, इसीलिए अब ये हमने सब तैयारी कर ली है। टिफिन बॉक्स तैयार है, इसके आगे कन्या कहाँ से आएंगी, कब आएंगी, ये सब है सरप्राइज। लौंकड़ा बैठा हुआ है बोरा वेट कर रहा है। बाद ये सुन हो रहा है मेरे सामने तखन रखा है। अरे ये हो गई प्रिपरेशन, ये हम जा रहे हैं कंजक पूजन करने।
आपको अभी लोगों के घरों में आता, आप कहाँ जा रहे हो? यही तो सरप्राइज है, हम जाने कंजक पूजन करने, जो कि हम हर बार जाते हैं। आ जाओ, कुछ हटके करना चाहिए ना, अलग, डिफरेंट। अच्छा जा 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 जा, तो हम चल पड़े हैं। मास्क अनिवार्य है, अपनी सेफ्टी के लिए भी और पैसों की बचत के लिए भी, नहीं तो चलान कटेगा 1000 रुपये का। ठीक है, अब आप सोचोगे हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं कन्या पूजने। अब हर चीज़ तो यहाँ नहीं बताऊँगी, वहीं जाके दिखाएंगे कहाँ कन्या पूजने, वहाँ क्यों जा रहे हैं, वहाँ जाने का क्या रीज़न है, ऐसा क्या है जो कि हम कन्या पूजने जा रहे हैं। लोग अपने घर पे कन्या बुलाते हैं, फिर वहाँ पूजते हैं और हम कन्या पूजने जाते हैं। तो हमारे साथ बने रहे, हम लेके चल रहे हैं आज आपको कन्या पूजन जर्नी पे। एक स्ट्रेंज तरीका, एक अलग तरीका, अनोखा तरीका कन्या पूजन का, और आपको अच्छा लगेगा। सीरियसली आपको, कुछ लोगों को तो ऐसा लगेगा कि हाँ ऐसा करना चाहिए, और अगली बार से शायद वो भी ऐसा ही करें। तो हमारे साथ बने रहें और चलते रहें। ये है नोएडा सेक्टर 135 में जंगल एरिया, जहाँ पे मैं अक्सर जो स्ट्रीट एनिमल्स हैं उनके फीडिंग के लिए, और उनको कभी चोट वगैरह लग जाती है तो उनके ट्रीटमेंट के लिए आती हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने लॉकडाउन में पिछली बार देखा था, यहाँ से बाहर जाने का कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ कुछ ऐसा व्हीकल नहीं चलते कि आप बाहर जा सकें, ना यहाँ पे लाइट है, ना यहाँ पे कुछ है, जंगल है ये, बिल्कुल जंगल। और यहाँ पे जगह जगह पे फार्म हाउसेज हैं जो कि खाली हो चुके हैं बिल्कुल, और वहाँ पे लोगों ने जैसे छोटी छोटी कुटिया बना के वहाँ पे फैमिलीज रह रही हैं, बट उनके पास कोई ऐसा वो नहीं है कि वो यहाँ पर खाना लेकर आ सकें बाहर से। जो यहाँ पर आ जाएगा एक बार, वो बनाते रहेंगे, खाते रहेंगे। तो मेरा ये शुरू से नियम रहा है जब से मैं नोएडा में आई हूँ, क्योंकि सबसे पहले जो मेरा शेल्टर था वो यहीं बना था, तो मेरा ये नियम रहा है कि मैं यहाँ पर ही आके, जो यहाँ झुग्गी में अंदर बच्चे होते हैं जो कभी बेचारे बाहर ही नहीं निकले यहाँ से जंगल से, मैं उनको ही कंजके देने आती हूँ। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं। देखो वो बैठा हुआ था जिसका हमने सर सही करा था ना, अभी आते समय देखेंगे। यहाँ पे डीजल भी है, एक बालाजी मंदिर है वहाँ पे डीजल भी है, जिसको हम लोग हर महीने फूड देने आते हैं, क्योंकि वो एक जर्मन शेफर्ड है किसी का छोड़ा हुआ, और वो यहाँ पे जंगल में बालाजी मंदिर में रहता है। मंदिर में वो खाएगा मिठाई वगैरह तो उसकी तबीयत ख़राब होगी, इसलिए हम उसको फूड देने आते हैं। तो यहाँ पर आने का ये मकसद है। यहाँ आप देख रहे हो इस तरफ, ये सब जंगल ही जंगल है। यहाँ के ना बच्चे बाहर जा सकते, ना बाहर के लोग कभी यहाँ पर आते कि उनके लिए कुछ खाना या फिर कोई अच्छी चीज़, कुछ भी चीज़ अरेंजमेंट्स कर सके। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उन बच्चों को भी पता है कि हाँ मैं आऊँगी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं उस तरफ, अभी हम लगाते हैं आपको बच्चों से, इन बच्चों को आवाज़ मार के उधर आ जाएंगे, उधर खुद ही आ जाएंगे, वो ले आएगी लड़की। ये देखो ये बच्चे हैं ना, ये देखो ये बच्चे खेल रहे हैं, सारे बच्चे अभी वहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे। वहाँ पे एक जगह है जहाँ पे हम जाते हैं, वो सब बच्चों को बुला लेती है और हम वहाँ पे कंजके देते हैं। तो मुझे लगता है कि पहली बात तो देखो, कोरोना की वजह से कोई भी जना अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहता, तो उसमें कुछ गलत भी नहीं है, ऑब्वियसली बात है। इतना ज़्यादा कोरोना फैल रहा है, छोटे छोटे बच्चों को घर से बाहर निकालना सेफ ही नहीं है। तो मैं तो पहले से यहाँ पर आती हूँ, बट अब ये और वो है कि अगर बच्चे आ ही नहीं सकते, जहाँ हम सोसाइटीज़ में रहते हैं वहाँ पे बच्चे आने अलाउ ही नहीं है, बच्चे आ ही नहीं सकते, तो हमें बाहर जाना पड़ेगा। मेरे लिए गुड ऑप्शन ये है कि मैं पहले से ही ये काम करती हूँ, तो मेरे लिए एकदम स्ट्रेंज नहीं हुआ कि भाई अब मैं क्या करूँ, बच्चे कहाँ से आएंगे कंजके बनाने के लिए। तो हमारे पास बच्चे ऑलरेडी हैं, अब हम मिलाने वाले हैं आपको बच्चों से,
अगर बच्चे इधर उधर कहीं नहीं गए होंगे तो। देखिए हम लोग बकरी पालते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। यहाँ पे लोग जंगल में जिस तरीके से वो अपना जीवन पालन कर सकते हैं वो करते हैं, कहने का मतलब। यहाँ पर एक लैब भी है जो मुझे बहुत प्यार करता है, मेरी कई वीडियो में कई लोगों ने देखा है। अब जरा मैं देख लूँ कि क्या सीन है आगे का। चलिए बेटी है बेटा, ये देख पीछे अपने माँ बेटे, ये हो गई 2 साल की तो। हाँ ओए, मैं बिटाई बहुत कर रही हूँ, तूने मेरे काटने की कोशिश करी तो। देख देख देख, डरपोक देख डरपोक है, पकड़ो तो काटती है। हाई तुम्हें गुच्छा भी आती है। ये 2 साल पहले इतनी सी थी और ये मिली थी बालाजी मंदिर में, फिर वहां से गायब होगी, पता चला कि इनके पास आ गई यहाँ पे। फिर ये भी है, इसका इसका बेटा भी हो गया, ये देखो डरपो। और ये इनके साथ रहता है, मतलब दोनों, ये बिल्ली इसके साथ ये टूटता ही है। गधा, ए गधा, तुम्हें कंजक चाहिए, तुम्हें भी मिलेगी, परेशान क्यों हो रहे हो। ये देख, ये बेटा है उसका। ए बेटा आ जा ना, तेरा गाड़ी बढ़िया है, तेरे से बात नहीं करनी। ये देख ये देख ये देख कहाँ घुसी। नमस्ते बेटा, नमस्ते बेटा। कंजक लौंकड़े सब इकट्ठे होते जा रहे हैं। म्याऊ म्याऊ म्याऊ, हाँ म्याऊ। सबसे पहले तो मेरे लौंकड़े आ गए, 2 बिल्ली। हाँ बिछड़ खाने तुम्हें या कंजक खानी है। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आप लोग ही आ जाओ। किसी ने भी मास्क नहीं लगा रखा, क्यों भाई है, बाहर घूम जाओगे बेटा, अंदर लोग भी तो आते हैं आपके पास। आज इधर आ जाओ। हाँ तो ये हैं मेरे सारे फ्रेंड्स, और भी हैं अभी आ नहीं रहे। यहाँ पे मैं आती हूँ हर साल बढ़िया से इन बच्चों को कंजक देने। ये मेरे बच्चे बैठ गए हैं, ये 2 ऊपर। बेटा आप आगे आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। इसे कोई, आप शर्मा भी रहे हो इतना, है पहली बार मिले हो, ये हर बार शर्माते हैं जैसे मुझसे पहली बार मिलते हैं। हाँ जी, देख वो कह रही है मैं भी लूंगी। हाँ कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। आपने लिया? रुको, अच्छा मुझे ये बताओ मास्क क्यों नहीं पहने सबने, हैं? मास्क नहीं पहनोगे बेटा? मास्क बहुत जरूरी है, और मास्क तो कपड़ों से भी बन जाते हैं, है ना? मास्क के लिए किसी ऐसी चीज की तो जरूरत है नहीं। हाँ जी हाँ जी, ऊंची जी आती है पैचों से, है ना? तुम भी लोगी, तुम्हारे को क्या मिलेंगे? स्लिप कर रही हो, उसे चला तो जान नहीं रहा, तुमको मिलेगी। रुको रुको, वो देख बैठा है नीचे। इसको हाँ, म्याऊ 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 कर रही है। क्या बात क्या बात। अच्छा अभी आप लोगों के लिए एक एक स्पेशल चीज मिलेगी, ठीक है? बड़े बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए इसलिए नहीं, कहीं छोटे बच्चों ने गलती से वो कर दिया। आ जाओ बेटा अभी फटाफट आ जाओ। आपको क्या नहीं मिला? आपको नहीं मिला? आओ आगे आओ, जिस जिसको नहीं मिला जल्दी जल्दी आओ। लो इधर आओ, इधर आओ मेरे बच्चे। है बकरा भी आया है, लो बेटे। और कोई जना जाएगा नहीं, सब यहीं रुकेंगे, ठीक है? और नहीं 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 नहीं, पैसे नहीं खाते। तो कौन में कर रहा है? वो भी रो रहा है। अभी कोई नहीं जाएगा, अभी सब रुकेंगे यहीं पे, ठीक है? देंगे देंगे, सबको देंगे सबको देंगे, ठीक है? और कोई बच्चा है? हो गया सब जने? हाँ बेटी, ठीक है यहीं रुकना सब जने। देखो जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए है ये सैनिटाइजर, ठीक है? ये जब भी आपको खाना खाना है ना, उससे पहले आपको हैंड पे डालना है। और ये ना इससे बहुत सारा नहीं डालते, इसमें कितना डालना है? सिर्फ इतना सा, 2 बूंद डाला। बार बार भाई साबुन कहाँ से लाओगे, है ना? इसके बाद खाना खाया, ये आपको सेफ करेगा ना। छोटे बच्चों को इसलिए देंगे, छोटे बच्चों ने कहीं मुंह में डाल लिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना?
और अगर आप भी रखोगे अपने छोटे बच्चे भाई बहन है उनको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। जो मुंह में किसी को भी डालना याद रखना, ये बेटा मुंह में डालने की चीज नहीं होती है ना। आप भी बड़े हो आपको भी दे सकते हैं, आप भी बड़े हो आपको भी दे सकते हैं, ठीक है। अब आप छोटे बच्चे हो, आप लोगों को जब भी हाथ धोना है इससे पहले इसको यूज करना है, ठीक है। इसको करके फिर खाना खाना है, कभी भी खाना खाना है, ठीक है। अब हम सब लोग फोटो खिंचाएंगे, तो मैं फोटो से खींच लेती मोबाइल से। कहाँ गया ले आ सोने, आजा आजा बच्चे, देखो खा ले खा ले। तो हम सब लोग ने फोटो खिंचाएंगे मोबाइल से, पर बेटा सब लोग मास्क भी पहनेंगे, है ना। मास्क देखो कपड़े का बन जाता है ना, इसको कुछ ऐसा तो महंगा बनेगा नहीं, आपकी सेफ्टी होगी, तबीयत खराब होगी यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे तो कोई भी नहीं आएगा आपको देखने के लिए। आराम से चलो, छोटे छोटे बच्चे आगे आ जाओ, जो मेरे पीछे दिखेंगे नहीं, आ जाओ सारे मेरे पास पास आ जाओ, आ जाओ जाओ जाओ। तो उस पर हम लोग लगाएंगे बेटा रिंग, या कोई स्प्रे, क्योंकि उसको नहीं तो पता नहीं चलेगा और बढ़ जाएगा। लिया बेटा लिया, पकड़ के रखियो, तो उसको चोट लग गई, उसको दिखा चोट। बिल्ली है ध्यान से बेटा, रुई है लग गई तुम्हारे, रुक जा रुक जा रुक जा। तो एटलीस्ट हम लोग बीटाडीन लगा देते हैं। जल्दी लिया, चोट लग गई तुम्हारे इतनी तेज। कोई नहीं बेटा, अभी हो जाएगी, सही अभी हो जाएगी। कैसे भी हो लिया, लिया जल्दी लिया। हे भगवान, किसी को भी नहीं देता, हराम को देता है बेटा। पकड़ के रखिए इसको ना, हल्का सा जलेगा तो ये भागने की कोशिश करेगी, है ना। बस बेटा बस 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 बेटा बस। जल्दी कितना ज्यादा खून निकलाया बेटा, इसको दूर फेंकना है ना, इसके इसमें ना करना कि किसी के मुंह लगे, है ना। हाँ मेरे बच्चे, रुक जा रुक जा रुक जा, एक मिनट रुक जा बस। उस दिन मफिन की तबीयत भी खराब कर हुई थी, नहीं रुक गया, फोन रुक गया। हाँ लग गई थी तुमको, है अंदर कहीं लग गई। हाँ नहीं निकल दिया, खून जम गया था ना एकदम ही, लगते मुंह दिखाओ, लगता है मुझे दांत में से आया था, टूट गया। ना ना दांत में से, मेरे नाक में से आया था। हाय छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा बेटा ध्यान रखना, छोटे छोटे बच्चे है ना, दूर रखो छोटे छोटे बच्चे। उसकी नाक में से खून निकल रहा था, क्रेचर तो सारे बराबर ही है, वो तो कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे से। हाय रे, इसे पकड़ लो, ये पकड़ में आएगा, है ये छोटा वाला पकड़ के दिखाइयो। ओए मम्मी के बच्चे, ओए मम्मी के बच्चे, ओए मम्मी के बच्चे, देखिए कितना प्यारा है, ओए मम्मी के बच्चे। अच्छा तो डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लगता है, थोड़ी देर उतार दूं। ये है, इसका क्या नाम है, मिट्टी, मिट्टी, इसका नाम है मिट्टी। मिट्टी मिट्टी से हाय, मिट्टी मिट्टी से हाय हाय, इसकी फोटो खींचो मेरे साथ। एक बार गाड़ी के नीचे भी देख लो, छोटा इसका बच्चा, इसका भाई बहन ना हो, निकल जाएगा बारिश स्टार्ट होती है। अरे डर लगता है, गाड़ी ऐसे कैसे स्टार्ट करूं। तो हम लोग जा रहे हैं बैक टू होम, छोटी जी बाय हाय उग्र, बाय बाय बाय। घर में रहना है, बाहर नहीं निकलना है, और सैनिटाइज यूज करना है खाना खाने से पहले सबको, ठीक है।
चलो ध्यान रखो बेटा। ये है ब्यूटी। थोड़ा पीछे करो। वो भाग गया। ये है जंगल की ब्यूटी है, ये कहो ये है असली ब्यूटी। तो ये था हमारा कंजके बनाने का तरीका। एक मिनट में देख लूं। बेटा गाड़ी के नीचे तो कोई नहीं है पक्का? तो ये है हमारा तरीका हर साल कंजक बनाने का। ये नहीं है कि अब लॉकडाउन हो गया है, ये सब चीजें प्रॉब्लम हो गई हैं तो ही बनाना है। ये लॉकडाउन अभी हुआ है पर मैं लास्ट 7 साल से ऐसा ही करती हूँ। मैं यही जंगल में ही आती हूँ, ये सब लोग यहाँ रहते हैं, इन्हें बेचारों को पता ही नहीं है कि बाहर की दुनिया है क्या। मैं यहाँ से बाहर जाने का कोई तरीका ना, आने का कोई तरीका ना, लाइट ना, खाना ना, पानी, बस जो मम्मी पापा बना दे रहे हैं बेचारे काम पे जा रहे हैं वो ये खा खा के अपना जीवन निकालते हैं। बहुत अच्छा लगता है, इन्हें इस चीज़ की इम्पोर्टेंस पता है, ये इसको सच में खाएंगे। जिसको बहुत ज़्यादा मिल जाता है उसको ये कहते ना इंपॉर्टेंस ही रहती, वेस्टेज ऑफ सामान फेंक देते हैं, ये लोग सच में खाते हैं तो दिल को खुशी मिलती है। सुबह से मेहनत कर रहे हैं, एटलीस्ट बच्चे खाएंगे तो खुशी मिलेगी ना। तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि घर में रहें, सेफ रहें और अपना ध्यान रखें, सैनिटाइज का यूज़ करें, मास्क का यूज़ करें। और भाई इन इस तरीके की जगह पे जाके इन लोगों के साथ बनाओगे ना कोई भी दिन त्यौहार तो अलग ही मज़ा आएगा। जैसे मैं देखो जंगल, अलग ही वादियाँ हैं यहाँ पे, कोई नहीं है दूर दूर तक। तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। इसी तरीके की चीज़ें मैं लोगों को अवेयर करना चाहती हूँ। मेरा मकसद मेन चैनल बनाने का अवेयरनेस देना कि हमारी सोच से बाहर भी एक दुनिया है जहाँ पर हम लोग अगर हेल्प करते हैं तो उन लोगों की लाइफ कितनी आगे जाती है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा लाइक कर दें, शेयर भी कर दें लोगों के साथ, जिससे कि अवेयरनेस बाहर निकले और इस तरह की ज़िंदगी का आप भी मज़ा ले पाए। थैंक यू।